हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? चलिए तो हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारे शॉर्ट नोट्स का, जो कि है कंट्रोल सिस्टम। हम लोग का एम होगा कि इसको हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे में पूरा कंट्रोल सिस्टम का शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए उसी चीज में हम लोग लग जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। मैं आ जाता हूँ आपका यहाँ पे बोर्ड में। चलिए आ जाइए, विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ये क्यों लगा हुआ है यार? चलो स्टार्ट करता हूं मैं, है ना, बिल्कुल आराम से समझिएगा। मैं अपने बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे मैं ज्यादा कंटेंट लिख पाऊँ शॉर्ट नोट्स पर्पस के लिए एक पेज में। ओके, हमारा सब्जेक्ट आपको पता है क्या है? कंट्रोल सिस्टम। इसमें जो सबसे पहले चीज आती है, अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो, एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट मैं कर देता हूँ यार, क्या था, कौन सा ग्रुप था यार? मैंने इन्फॉर्म नहीं किया यार, पता क्यों कर दिया। चलिए तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा सिस्टम क्या होता है ना। सबसे पहली जो बात आती है ना हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कंट्रोल सिस्टम में, वो ये आती है कि हमारा यहाँ पे सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, सिस्टम, कि ये सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी एक सिस्टम देख लो आप लोग, है ना, कोई भी एक सिस्टम देख लो, वो हमेशा क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होता है। थोड़ा सा राइटिंग को अरेंज करने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा। सिस्टम क्या होता है आपका, क्या बोला मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सभी एलिमेंट आपस में मिलके कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे, टास्क परफॉर्म करते हैं। जितने भी एलिमेंट है वो आपका क्या करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। सिस्टम में क्या होता है, सभी एलिमेंट आपस में मिलके टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब इनपुट देने पे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, दैट आर कॉल्ड सिस्टम्स। सिस्टम क्या होते हैं, बात समझ में आई सबको? सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हैं, जो कि कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब कुछ इनपुट देने पे कुछ आपका आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। फिर बात आती है कि सर हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फिर ये तो आपने सिस्टम के बारे में बताया, फिर हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम नाम की भी चीज होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको भी देखना। कंट्रोल सिस्टम नाम की चीज जो होती है उसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम। बहुत से लोग उसका प्रिंट निकालते हैं, तो थोड़ा आराम आराम से लिखता हूँ मैं कि राइटिंग थोड़ा ठीक है। बात आती है कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम में आप याद रखना, कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि ये भी आपका क्या, एक तरह से सिस्टम है ना, जिसका आउटपुट को हमने कंट्रोल किया। क्या बोला मैंने, इसका आउटपुट क्या है आपका, कंट्रोल्ड है ना। कंट्रोल सिस्टम में क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये भी एक सिस्टम है, मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका एक सिस्टम है जिसका आउटपुट आपका कंट्रोल्ड है। सिस्टम है जिसका आउटपुट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल्ड है।
आउटपुट कंट्रोल ने मतलब नहीं कि कंट्रोल कुछ भी हो गया, आउटपुट कंट्रोल्ड इन अ डिजायर्ड मैनर, क्या बोला मैंने, डिजायर्ड लिख लेना आप लोग, जैसा आप चाह रहे हो वैसे कंट्रोल होना, है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो उसकी स्टेयरिंग का कंट्रोल होना क्या है, कैसे कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन उसकी स्टेयरिंग आप मोड़ रहे हो लेफ्ट में मुड़ गए राइट में, तो वो एक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, है ना। कंट्रोल सिस्टम भी एक सिस्टम है जहां पे आउटपुट को हम कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड मैनर, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक चीज याद रखना कि जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कार है, कार में हम स्टेयरिंग को चेंज कर रहे हैं लेकिन वहां पे ब्रेक लग रहा है, तो क्या कहने का मतलब है कि कंट्रोल सिस्टम में क्या बोलेंगे हम, किसी क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हमारा जो फोकस होगा किसमें होगा, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो फोकस है कंट्रोल करने पे वो क्या है, स्टेयरिंग है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, क्या है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या बोलोगे, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो याद रखना किसी भी चीज कंट्रोल नहीं करना आपको, आउटपुट के कौन से पैरामीटर को, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला मैंने आपका, हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, कंट्रोल सिस्टम के बारे में। कंट्रोल सिस्टम हम लोग जो है तो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक होता है हमारे पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दो तरह के कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे होते हैं। पहला क्या बोला मैंने आपके सामने, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है पास यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बात करें ओपन लूप का तो ओपन लूप दिखता कैसा, बहुत ही सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। ये एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप कुछ इनपुट देंगे, इससे कुछ आउटपुट आएगा, दैट इज योर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज योर ओनली कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जी लिखा है यहाँ पे गेन है, यहाँ पे आप इनपुट देते हो आर, यहाँ पे आउटपुट आता है सी, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होता है आपका, गेन के बराबर होता है, जी है ना, जी के बराबर होता है, ओपन लूप का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो जी के बराबर होता है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपके क्या होते हैं, आपकी इनकी बैंडविड्थ ज्यादा नहीं होती, इनकी बैंडविड्थ कम होती है, इनकी बैंडविड्थ कम होती है, और इनका जो टाइम ऑफ कंट्रोल है वो ज्यादा होता है, टी आर क्या बोलोगे इसका, आप ज्यादा, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, एज कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दे आर लेस स्टेबल, इनकी आप सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है, आप ऐसा मान लो इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी टू व्हाट, नॉइज, मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम नॉइज को ज्यादा सेंस करते हैं, ठीक है ना। आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम नॉइज को ज्यादा सेंस नहीं करते, लेकिन जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो नॉइज को ज्यादा सेंस करते हैं, मतलब है ना। अगर हम ओपन लूप की बात करें तो इनका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो गेन के बराबर होता है, इनकी बैंडविड्थ कम होती है, बैंडविड्थ मतलब क्या, ज्यादा रेंज तक आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसका राइज टाइम ज्यादा होता है, मतलब इसका टाइम जो टाइम ऑफ कंट्रोल है वो ज्यादा है, और इसमें जो आपका सेंसिटिविटी है वो भी आप इसकी ज्यादा है, टू नॉइज, या फिर जो सिस्टम के जो पैरामीटर वेरिएशन होंगे उनके लिए आपका सेंसिटिविटी इसका ज्यादा होता है। रही बात क्लोज लूप की, क्लोज लूप में दो टाइप के होते हैं, अगर हम बात करें क्लोज लूप का, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप में ही बात करते हैं, दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। एक होता है क्या हमारे पास, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है आपके पास, ऐसा कुछ देखिए मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे। ये आपके पास बॉक्स था, बॉक्स मतलब सिस्टम था, ठीक है। एक सिस्टम यहाँ पे और आ जाता है जिसको बोलते हैं फीडबैक वाला सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास होता है एक समर, समर किस टाइप का होता है देखना, आपको बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक आपके पास क्या रहता है, समर, फिर से बताता हूँ मैं,
इसको करा देता हूँ ग्रीन पेन से। ये होता हमारे पास यहाँ पे समर। अब होता क्या है समझना प्रॉपरली, आपने इसको इनपुट दिया था ना, आपने इसको इनपुट दिया, ऐसे इनपुट गया, इस पे इनपुट गया, फिर यहाँ पे गया, है ना। यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या था, जी जी मतलब क्या गेन, ये आपका था एच मतलब फीडबैक, ठीक है, क्योंकि फीडबैक है कंट्रोल क्लोज लूप है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जो है तो यहाँ से अपना आउटपुट उठाते हैं, इसमें पटकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे भेज देते हैं। ये होता है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है क्लोज लूप के लिए, मतलब पॉजिटिव फीडबैक के लिए, यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैसा साइन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। तो यहाँ पे होता है प्लस साइन, यहाँ पे होता है प्लस साइन, और यहाँ पे भी होता है अगर प्लस साइन, दोनों जगह प्लस प्लस है तो हम इसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पे भी लिखा है प्लस और यहाँ पे भी लिखा है प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन अगर जहां पे नीचे वाला प्लस है, अगर वहां पे माइनस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो याद रखना पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, दीज आर लेस स्टेबल। यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ये लेस स्टेबल, नॉट यूज के यहाँ पे तुम्हें नॉट यूज इन कंट्रोल सिस्टम, हम इसका कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं करते हैं, ये आपके लेस स्टेबल होते हैं। हाँ, ये आपके क्या होते हैं, लेस स्टेबल, कम स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, लेस स्टेबल। और दूसरी बात, इनका गेन भी कम होता है। अगर हम यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू 100 है ना, आपने पहले फीडबैक नहीं लगा, इसकी वैल्यू 100 थी, ठीक ना, आपने पॉजिटिव फीडबैक लगा दिया, तो इसका गेन तो बढ़ जाएगा, है ना, इसका जो गेन है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा ना, इसका जो गेन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या बोला मैंने, गेन विल इंक्रीज। ओवरऑल गेन आपका इन पे इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा देता हूँ, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा ना, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, इसमें क्या था, जी था, तो इसमें हो जाएगा जी अपॉन में 1 माइनस जी एच। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला आपका, एक पॉइंट मैंने आपको और बोला ना यहाँ पे, कि आपका जो ट्रांसफर ओवरऑल गेन है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोलूंगा उसको मैं, ट्रांसफर फंक्शन आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, या फिर ओवरऑल गेन रिड्यूस। क्या हो गया इसको यार, पेन पे इतना थिकनेस कैसे बढ़ गई। ओवरऑल जो गेन होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा, सॉरी ओवरऑल गेन आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक है ना। पॉजिटिव फीडबैक का एक और नाम, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक। तो याद रखना, कभी अगर पूछा जाएगा रीजनरेटिव फीडबैक हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को बोलते हैं, याद रखना। इसको हम रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। योगी आपके पास किसके बारे में, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में। अच्छा, कभी पूछे कि पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज होता है, लिख देना आप इसका आंसर देना, ऑसिलेटर्स में, जो हम लोग एनालॉग में ऑसिलेटर्स पढ़ते हैं ना, उसमें इसका यूज होता है। कहीं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका यूज कहाँ पे होता है आपका, ये ऑसिलेटर्स में। रिजनरेटिव फीडबैक, क्या बोला मैंने, इसको ऑसिलेटर्स में आपको यूज होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम आपके किसके बारे में, निगेटिव फीडबैक, जो क्या एक्चुअली में हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसका हम लोग एक्चुअली में यूज करते हैं, वो हमारा होता है निगेटिव फीडबैक। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक, याद रखना, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, यूज इन कंट्रोल सिस्टम, लिखना है पहला इंपॉर्टेंट चीज, यूज इन कंट्रोल सिस्टम पहली चीज, ठीक
है। दूसरी बात, ये आपका गेन को कम कर देता है, ओवरऑल गेन आपका कम हो जाता है इसमें। पहले इसमें ट्रांसफर फंक्शन लिखो कितना होता है, इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आपका, इसमें क्या था, जी अपॉन वन माइनस जी एच, इसमें हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी एच, इसमें क्या हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी एच। इससे हमारा जो ओवरऑल गेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ओवरऑल जो गेन होगा निगेटिव फीडबैक लगाने से कम हो जाएगा, ओवरऑल गेन हमारा यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। बैंडविड्थ हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हम रेंज ऑफ कंट्रोल हमारा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो, अगर विदाउट कंट्रोल सिस्टम गाड़ी चलाते हो तो उसकी स्पीड रहती है मान लो 40, लेकिन अगर आप वहां पे निगेटिव फीडबैक लगा दोगे उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 40 ना होकर 0 से 100 हो जाएगी। तो 0 से 100 मतलब रेंज जो आप बढ़ा लें, बैंडविड्थ वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब ज्यादा बड़ी प्लेट आपको मिल जाएगी, तो खाना खाने का जब प्लेट होती है ज्यादा बड़ी मिल जाएगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक में वो गेन का, मतलब आपका बैंडविड्थ का इंक्रीज होना, और आपका टी आर मतलब आपका टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइज टाइम कम हो जाएगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आपकी सेंसिटिविटी भी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब नॉइज का जो इफेक्ट है वो आपका कम हो जाएगा, नॉइज का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, नॉइज कम हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपकी सेंसिटिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक के बारे में। समझ में आई बात, मैं फिर बताता हूँ क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने बताया आपको सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम हमारा एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है जो कि एक टास्क परफॉर्म करता है, मतलब इनपुट देने पे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फिर बताया मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि ये भी एक सिस्टम ही है जिसके आउटपुट को हमने कंट्रोल किया है इन अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड मैनर, ठीक है। जैसे कि इसमें हम क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन लूप, एक होता है क्लोज लूप। ओपन लूप में हम इसको बोलते हैं आपका नॉन फीडबैक, या फिर आपका इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता, सेंसर नहीं होता इसमें, है ना, इसमें कोई भी सेंसर नहीं होता, इसमें सेंसर होता है। तो इसमें जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा वो गेन के बराबर होगा, इसकी बैंडविड्थ कम होती है, इसमें टी आर राइज टाइम ज्यादा होता, मतलब जो कंट्रोल करने में टाइम लगता है हमको ज्यादा लगता है, और इसकी सेंसिटिविटी आपकी क्या होती है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी ज्यादा होती है टू द नॉइज, मतलब अगर गेन में थोड़ा भी चेंज आया तो आउटपुट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन क्लोज लूप में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हम लोग कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं करने वाले हैं, है ना, इसका यूज है आपका ऑसिलेटर्स में। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि आपके लेस स्टेबल होंगे, इसका ओवरऑल गेन ये होता है, इसको हम रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। इसका यूज होता है ऑसिलेटर्स में, ओवरऑल गेन आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस जी एच वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, और किसी वैल्यू को 1 से कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी, ओवरऑल वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो आपका ओवरऑल गेन यहाँ पे इंक्रीज होगा, बट हम इसको कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं करने वाले। फिर आते हैं हम लोग निगेटिव फीडबैक, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, डीजनरेटिव, याद रखना, इसको हम बोलते हैं आपका डीजनरेटिव कंट्रोल सिस्टम। इसको बोलते हैं डीजनरेटिव कंट्रोल सिस्टम। ये आपका कंट्रोल सिस्टम में एक्चुअली में यूज होता है ना, ये तो आपको पता है ना, ये एक्चुअली में कंट्रोल सिस्टम में यूज होगा, ठीक है। इससे ओवरऑल गेन हमारा कम होता है, हाँ ये जरूर दिक्कत है कि गेन थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमारी बैंडविड्थ बढ़ गई, राइज टाइम कम हो गया, अच्छी बात है ना, टाइम का कम लगना बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी चीज को कम टाइम में कर पा रहे मतलब बहुत अच्छा, हमारी स्पीड क्या बहुत अच्छी है, स्पीड विल इंक्रीज, नॉइज विल डिक्रीज, सेंसिटिविटी डिक्रीजेस, इसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में, तो थोड़ा सा हमको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं तो उसको लिए आपका सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, देखना सभी लोग समझना। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे सेंसिटिविटी के बारे में, अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा किसके बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी के बारे में बोलेंगे कि तीन चीजें होती हैं। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है ना, जो
जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा किसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए, किसके लिए सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। पहली बात, हमारे पास तीन चीजें हैं। हम पूछे कंट्रोल सिस्टम हमारा इनपुट के लिए क्या होना चाहिए। अरे भाई, इनपुट के तो हर एक चीज सेंसिटिव चाहिए, मतलब इनपुट पे चेंज हो तो आउटपुट चेंज होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो इनपुट में जो चेंजेस होंगे उसके लिए क्या हो चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। अगर हमारा इनपुट हम चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा चेंज होना चाहिए, है ना। तो कंट्रोल सिस्टम की इनपुट के लिए सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। कंट्रोल सिस्टम के लिए जो जी है, जी मतलब गेन, मतलब अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हुए, जी मतलब कैसे, अगर मान लो ये चीज फैन है, फैन गर्म होकर हीट होने लग गया तो उसका इफेक्ट क्या आपके कंट्रोल में पड़ना चाहिए क्या, तो क्या उसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। हमने लगाया यहाँ पे एच, एच में अगर हम चेंजेस करते हैं, अगर हम एच में चेंजेस करते हैं तो क्या हमारा उससे फीडबैक में चेंज नहीं होना चाहिए क्या, बिल्कुल हमारा यहाँ पे होना चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए। ये मैंने आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताया कि कंट्रोल सिस्टम किसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए और किसके लिए सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हमारा कंट्रोल सिस्टम इनपुट के लिए जो इनपुट चेंजेस हो उसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए, गेन में जो चेंजेस होंगे, गेन में जो चेंजेस होंगे उसके लिए इनसेंसिटिव होना चाहिए, है ना, और जो आपका फीडबैक है उसमें जो चेंजेस हो आपका सेंसिटिव होना चाहिए। अब बात समझना, हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है मेनली वो बनता है किसके लिए, जी के लिए, ठीक है। और हम इस सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैसे, एस एम जी, एस एम जी मतलब चेंज इन सेंसिटिविटी के चेंज इन एम, एम मतलब क्या, टोटल ट्रांसफर फंक्शन, है ना, एम मतलब क्या आपका टोटल ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, एस एम जी, जी में चेंज करते हैं तो एम में क्या चेंजेस आएंगे, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में समझ सकते हो एम इक्वल टू क्या होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन, है ना, जो आपने लिखा जी अपॉन वन प्लस जी, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम अगर इसकी बात करें दोनों के लिए, किसके लिए, ओपन लूप के लिए और क्लोज लूप के लिए, देखना सभी लोग, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, है ना। तो आपका अगर हम बात करते हैं आपका क्लोज लूप के लिए, पहले बात करते हैं किसके लिए, ओपन लूप के लिए, है ना। तो ओपन लूप में क्या होगा, एस एम जी की वैल्यू क्या होगी ओपन लूप के लिए, ओपन लूप के लिए इसकी वैल्यू होगी 1, एस एम जी की वैल्यू होती है 1, मतलब इसका वैल्यू 1 होना मतलब क्या है कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन है, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन जी, मतलब जो भी आपका जी में चेंजेस होंगे, जो भी आपके जी में चेंजेस होंगे वो पूरा का पूरा चेंज आपको ओवरऑल ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा, 100% चेंज होगा। मतलब अगर मान लो जी की वैल्यू में 100% चेंज हुआ है तो आपका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है उसमें जी की वैल्यू, मतलब जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है उसमें भी आपका 100% वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत खराब चीज है, ये बहुत खराब चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे मैंने बोला ना कि आपकी सेंसिटिविटी इस केस में क्या होती है, ज्यादा होती है, आपके ओपन लूप में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। देखो ना, आपने जी में क्या चेंजेस किया, आपका पूरा पूरा ट्रांसफर यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोज लूप के लिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोज लूप के लिए, तो क्लोज लूप के लिए याद रखना जो एस एम जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, एस एम जी की वैल्यू होती है 1/1+gh, याद रखना एक टर्म, 1/1+gh, मतलब आपकी यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है 1+gh से यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई। 1+gh को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी फैक्टर, मतलब इसमें क्या था, 1 था, इसमें गिवन वैल्यू क्या है, 1/1+gh के बराबर है। मतलब इसमें जो हमारा क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या बोलेंगे क्लोज लूप के लिए, हम इसे बोलेंगे, मैं आप लिखता हूं, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन, सॉरी
परसेंटेज चेंज इन जी डिवाइडेड बाय 1+GH, तो ये वैल्यू तो कम ही होगी ना, क्योंकि इसमें तो आपका फैक्टर कम ही हो गया, राइट। समझ में आई बात? सेंसिटिविटी के बारे में क्या बताया मैंने? सेंसिटिविटी के बारे में, सेंसिटिविटी कंट्रोल सिस्टम के लिए इनपुट के लिए हाई होनी चाहिए, जी के लिए इनसेंसिटिव होना चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज लूप में हमको देखने को मिल रहा है, क्लोज लूप में सेंसिटिविटी जी के चेंजेस के लिए कम है, ये हम लोग फील कर पा रहे हैं, लेकिन ओपन लूप में इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग एक यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट क्या कर सकते हैं कि हमारे कंट्रोल सिस्टम में, क्या बोला मैंने देखना आप लोग, SMG, एक रिजल्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, SMG ऑफ ओपन लूप इज ग्रेटर देन, ओपन लूप इज ग्रेटर देन SMG ऑफ क्लोज लूप, हाँ या ना, बोलिए। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है ना, और 1+GH को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर यहां पे बात आती है किसके बारे में, यहां पे बात आती है कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट्स होते हैं उनके बारे में, तो कौन कौन से इनपुट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, देखना समझना सभी लोग। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, स्टैंडर्ड इनपुट्स के बारे में, कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं, जैसे देखना आप सभी लोग, मेरे पास एक होता है, आपके पास यहां मैं बताता हूँ कौन कौन से, एक होता है डेल्टा टी, इसको बोलते हैं इंपल्स सिग्नल, एक हमारे पास होता है यू ऑफ टी, जिसको बोलते हैं आपका क्या, यूनिट स्टेप, एक होता है आपका रैंप आर ऑफ टी, और एक होता है आपका पी ऑफ टी, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, जिसको हम बोलते हैं आपका पैराबोलिक, इंपल्स, यूनिट स्टेप, रैंप, पैराबोलिक, ये हो गया। अब एक चीज जो बताई मैंने कि अगर आप इनको क्या करते जाएंगे, अगर आप इनको जैसे डेल्टी या तो यू स्टेप है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका नेक्स्ट फंक्शन की तरफ पढ़ते जाएंगे, मतलब इतना दिखा, क्या बोला मैंने, अगर आप इसको इंटीग्रेट किया, इंपल्स को इंटीग्रेट किया तो यू ऑफ टी मिलेगा, यू ऑफ टी को इंटीग्रेट किया तो आपको रैंप मिलेगा, रैंप को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा आपका, पैराबोलिक मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें उल्टा यहां पर सीक्वेंस उल्टा कर दिया, अब अगर आपने क्या किया, पैराबोलिक को डिफरेंशिएट किया, क्या किया आपने यहां पे, डिफरेंशिएट, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे रैंप, पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करोगे तो रैंप मिलेगा, रैंप को डिफरेंशिएट करोगे तो यू ऑफ टी मिलेगा, यू ऑफ टी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये मैंने बताया। अच्छा, इनके बारे में और समझो, यू ऑफ टी सिग्नल दिखाई कैसे देता हमारा, यू ऑफ टी सिग्नल हमारा ऐसा कुछ दिखाई देता, मतलब टाइम की हर एक वैल्यू पे आउटपुट जीरो होगा, बस आपका टी इक्वल जीरो पे इसका कुछ इनपुट आता है ना, टी इक्वल टू इन हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं आपका डेल्टा टी। याद रखना इस फंक्शन में, याद रखना कि यहां पे हमारे पास एक क्या बनता है, जो इसको मिलता है यूनिट स्टेप बोलते हैं, तो इसका जो वन लिखा होता है, वन क्या बताता है यहाँ पे, यहाँ पे वन रिप्रेजेंट करता है एरिया, इसमें जो यूनिट रिप्रेजेंट करता है, वन ये रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया, किसका एरिया, 0- से लेके 0+ तक के एरिया को बताता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, इंफिनिटी होता है, मतलब जो वैल्यू वन जा रही कहां तक जा रही है आपका, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं आपका डेल्टा टी सिग्नल। फिर बात करते हैं यू ऑफ टी की, जो यहाँ पे लिखा है यू ऑफ टी, तो यू ऑफ टी आपका ऐसा कुछ होता है सिग्नल, मतलब इसकी वैल्यू टी के हर एक पॉइंट पे जीरो होगी, बट टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू वन होगी, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इसकी वैल्यू वन है, वन है, वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो,
ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इसमें याद रखना जो वन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो वन है वो आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्या लाइट को कट कट की आवाज आती रहती है। ठीक है, तो वन यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ओके। रही बात और हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो है तो है ना, इसका क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे यू ऑफ टी का, कि इसका वैल्यू वन होगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। टी लेस देन जीरो किस वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। टी लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। आप ऐसा लिख लो, आप इसको ऐसा लिखो ज्यादा बेटर होगा, आप इसको ऐसा लिखो यू ऑफ टी की वैल्यू वन होती है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड इसकी वैल्यू होती है जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। ठीक है, और इसमें जो वन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो वन था वो आपका एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें वन आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, यहाँ पे पैराबोलिक के बारे में, सॉरी रैंप के बारे में। रैंप सिग्नल हमारे पास ऐसा कुछ होता है, जो हमारा रैंप सिग्नल है वो समथिंग हमारे पास ऐसा कुछ होता है, और रैंप सिग्नल के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आर टी से, और आर टी की वैल्यू होती है क्या, वन टी यू टी, इसके लिए होती है टी, है ना, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो पहले इसको टी होती है और इसकी वैल्यू जीरो होती है जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। ठीक है ओके, और इसमें जो वन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना जो वन यहां पे लिखा हो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका मैग्नीट्यूड को, इसमें एरिया को, इसमें जो वन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, पैराबोलिक सिग्नल के बारे में। तो हमारा पैराबोलिक सिग्नल कैसा होता है देखना आप सभी लोग, बहुत कम इस पे बचा बट तब भी मैं बना के दिखा देता हूँ इतने लिए। हमारा पैराबोलिक सिग्नल ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हमारे पास क्या होता है, ये पैराबोलिक सिग्नल होता है। अगर हम इसके बारे में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं पी ऑफ टी, इसकी वैल्यू होती है टी स्क्वायर बाय टू। पी ऑफ टी की वैल्यू होती है कितना, टी स्क्वायर बाय टू फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन सभी में होगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स हो गए। अच्छा हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, कि जैसे मान लो डेल्टा टी है, डेल्टा टी का लाप्लास कितना होता है, लाप्लास। तो इसका क्या बोलूंगा यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ, इसका जो लाप्लास होता है वो होता है वन, है ना। इसका यू ऑफ टी का जो लाप्लास होता है वो होता है वन बाय एस। इसका जो लाप्लास होता है वो होता है वन अपॉन एस स्क्वेयर। और इसका जो लाप्लास होता है वो होता है वन अपॉन एस क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या बोला मैंने, वन वन बाय एस, वन बाय एस स्क्वायर, वन बाय एस क्यूब, ये इनके होते हैं लाप्लास। बात होती है लाप्लास के बारे में, तो लाप्लास करता क्या है, लाप्लास आपका एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये चीज भी लिख लो, लाप्लास के बारे में कुछ चीजें लिख लो, लाप्लास क्या करता है आपका टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लाप्लास क्या करता है आपका, टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये होता हमारा क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सिग्नल है एक्स टी, मुझे उसका निकालना है लाप्लास, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस
एक्स ऑफ एस की वैल्यू कितनी होती है, एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये होता है आपका क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ओके अच्छा, मैंने कुछ चीजें आपको और बताई, जैसे आपको बताया ना कहीं पे मैंने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में लिखा है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हम कब निकालते हैं, किस कंडीशन में निकालते हैं, क्या इसका डेफिनेशन होता है, वो हम सभी लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बारे में, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला। हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो याद रखना, जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, वो हमेशा एलटीआई सिस्टम के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किसके लिए बनाया गया है, ओनली एलटीआई सिस्टम के लिए, डिफाइंड फॉर ओनली एलटीआई सिस्टम। क्या बोला मैंने यहाँ पे आपके सामने, ओनली एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरियंट, क्या बोला मैंने, ओनली एलटीआई सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। दूसरी चीज, आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमेशा इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशन शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपका होता क्या है, ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं इसको क्या, सी एस अपॉन आर एस, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस को हम बोलते हैं आपका क्या, ट्रांसफर फंक्शन। क्यों, आउटपुट क्या, सी ऑफ टी, कंट्रोल्ड आउटपुट सी ऑफ टी, इनपुट क्या था आर ऑफ टी, तो उसका हो जाएगा आर ऑफ एस, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ये होता हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं इनपुट को इंपल्स ले लू, मतलब आर ये ले लू डेल टी, उसका लाप्लास वन होगा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे वन पुट कर दूं तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, सी ऑफ एस, सी ऑफ एस यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट किसका रिस्पॉन्स है, ये सी ऑफ एस क्या रिस्पॉन्स है किसका, इंपल्स का। तो याद रखना, ट्रांसफर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। क्या बोला मैंने, ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, ट्रांसफर फंक्शन से मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो ऐसा कुछ है, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया यहाँ पे टेन एस प्लस टू एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स, ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया है। तो अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर को जीरो पुट करोगे तो ये आप देते हैं क्या, जीरोस की वैल्यू, ठीक है ना, किसके देते हैं जीरोस की, अगर आप इनको जीरो से इक्वेट करोगे न्यूमरेटर को तो क्या देंगे, जीरोस की वैल्यू। और अगर आप यहां पे डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको देते हैं पोल्स की वैल्यू, ठीक है ना। और हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे मैं अगर एस प्लेन में बनाऊं, एस प्लेन में कैसे बनाएंगे हम इसको, देखना है ऐसा, कौन कौन से पॉइंट है, माइनस टू माइनस थ्री, जैसे मान लो आपका माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, और कौन सा पॉइंट है, माइनस फोर माइनस सिक्स, ये पॉइंट सही लिख दिया मैंने। तो पोल कौन कौन से, एस प्लस फोर वाला मतलब माइनस फोर माइनस सिक्स आपके पोल हैं, तो इसको हम बनाते हैं किस साइन से, क्रॉस साइन से, देखो इसको, मतलब हम पोल को क्रॉस से दिखाते हैं, ये हमने पोल को क्रॉस से दिखाया, और जीरोस को हम डॉट पॉइंट्स दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है।
ये हमारा हो गया पोल और जीरो के बारे में। पोल हमारा कहां से आता है, ट्रांसफर फंक्शन को डिनोमिनेटर जो है, ट्रांसफर फंक्शन जो डिनोमिनेटर है अगर आप उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एस इक्वल टू जो भी पॉइंट्स आते हैं वो पोल होते हैं, और न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करोगे, ट्रांसफर फंक्शन की न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करोगे तो जो भी एस इक्वल टू पॉइंट्स आएंगे वो आपके जीरो पॉइंट होते हैं। ठीक है, ओके। फिर एक चीज मैंने और बताई कि पोल्स को हम क्रॉस से दिखाएंगे और जीरोस को हम डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, जो ट्रांसफर फंक्शन उसके जो पोल्स हैं है ना, उसके जो पोल्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को चाहिए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अगर वो राइट में चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अगर वो जे ओमेगा एक्सिस पे आ गया तो सिस्टम आपका मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है ना, अगर सिंगल पोल है आपका यहाँ पे तो आप इसको बोलोगे मार्जिनल स्टेबल, अगर जे ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स है तो आपका सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे थोड़ा समझना, किसके बारे में बताया मैंने, स्टेबिलिटी के बारे में बताया, किसके बारे में बताया मैंने आपको, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पोल की कि जीरो पे। तो मैंने क्या बोला, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपके पोल पे डिपेंड करती है, पोल पे डिपेंड करेगी, पोल पे डिपेंड करेगी और जीरो पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला पोल्स के बारे में कि अगर आपके पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में, ऑल पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑल पोल्स इन लेफ्ट हैंड साइड है, सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल। अगर सारे पोल कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। मैं इसको लिख के नहीं, मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, देखना ऐसा, ऐसे देखो ऐसा है डायग्राम, सारे पोल आपके क्या लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको हो जाएगा स्टेबल। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ, सारे पोल तो लेफ्ट में ही हैं, एक आध पोल यहाँ पे आ गया है ना, या फिर आपके जियो मेगा पे यहाँ पे आ गया, तो हम इसको बोलते हैं आपका क्या, जस्ट स्टेबल या फिर मार्जिनल स्टेबल, इसको हम बोलते हैं आपका जस्ट स्टेबल, दिस इज कॉल्ड जस्ट स्टेबल या फिर मार्जिनल स्टेबल, है ना। जस्ट स्टेबल या फिर क्रिटिकली स्टेबल या फिर मार्जिनली स्टेबल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, बहुत सारे नाम है, अलग अलग नाम है। और एक होता है, अगर मान लो ऐसा बना दूं मैं कि आपके ये एस प्लेन है, दिस इज योर एस प्लेन, और एस प्लेन में जो पोल्स की लोकेशन वो कैसी है, एक पोल यहाँ पे एक पोल यहाँ पे, और जो जे ओमेगा यहाँ पे दो पोल हो गए, एक यहाँ पे पोल है फेक यहाँ पे पोल, या फिर मान लो अगर यहाँ पे पोल है तो फेक यहाँ पे पोल, यहाँ पोल फेक है, मतलब आपका रिपीटेड पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस, रिपीटेड पोल्स अगर आपके जियो मेगा एक्सिस पे, तो आप इसको क्या बोलोगे, अनस्टेबल। और अगर आपके पोल कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड में है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑलरेडी अनस्टेबल। जैसे मान लो एक पोल यहाँ पे एक पोल यहाँ पे एक पोल यहाँ पे, अगर एक पोल भी यहाँ पहुंच गया मतलब स्टाफ पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सिस्टम के बारे में स्टेबिलिटी समझ में आया, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी आपका पोल पे डिपेंड करती है ना कि जीरोस पे, है ना। फिर मैंने बताया कि अगर सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में तो स्टेबल, सारे पोल लेफ्ट में है, एकाध पोल आपका जियो मेगा पे आ गया, फिर सिंगल पोल है ना, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही पोल है, रिपीटेड पोल्स नहीं है, इसको बोलते हैं जस्ट स्टेबल। लेकिन अगर आपका रिपीटेड पोल्स है जियो मेगा से, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। और अगर आपके पास यहाँ पे एक भी पोल आपका राइट हैंड साइड में चला गया, उसको हम बोल देंगे आपका अनस्टेबल। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, आई, बहुत अच्छी बात है, अगर इतना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। हालांकि मैं इसको सिग्नल में तो कराता ही, बट तब भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा।
जैसे फिर बताता हूँ यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी बता चुका हूँ कितना होता है आपका, 1 होता है। फिर एक और बताया था मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी कितना होता है, 1/s होता है। इसको लिख लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी मतलब रैंप सिग्नल का, 1/s² होता है, ये भी लिख लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ टी मतलब आपका पैराबोलिक का कितना होता है, 1/s³, ये भी लिख लो। ठीक है, फिर एक आता आपके पास यहाँ पे क्या, एक आता आपके पास यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन, टी की पावर एन यू ऑफ टी, मैं यू ऑफ टी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा कम हो जाएगा, तो टी की पावर अगर आपके सामने एन है, सभी में यू ऑफ टी रहेगा ना यहाँ पे, टी की पावर एन यू ऑफ टी, टी यू टी, टी स्क्वायर बाई 2 UT है ना, इसको हम बोलते हैं टी की पावर एन यू टी, तो इसका हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछ लिया गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर -at ut, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/s+a, क्या हो जाएगा इसका लाप्लास, 1/s+a। अगर आपसे पूछ लिया गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर at, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ई की पावर at का 1/s-a। वन अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा। अगर पूछूं मैं यहाँ पे साइन ए टी का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी, तो इसका हो जाएगा आपके पास कितना, ए अपॉन s² + a² ठीक है। लेकिन अगर सिमिलरली पूछ लूं मैं आपसे यहाँ पे किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी, इसका क्या हो जाएगा, एस अपॉन s² + a², तो क्या बोला मैंने आपके सामने, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी यू टी का हो जाएगा कितना, एस अपॉन s² + a² ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे थ्योरम होती है, जैसे मान लीजिए ना, एक कुछ थ्योरम्स होती है उसको मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक थ्योरम होती है, अगर एक्स ऑफ टी का लाप्लास, अगर एक्स ऑफ टी का लाप्लास है आपका एक्स ऑफ एस, तो ई की पावर ए टी एक्स टी का लाप्लास हो जाएगा कितना, एक्स ऑफ एस माइनस ए। ये एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर एक और थ्योरम होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे दिया हुआ है एक्स ऑफ टी का लाप्लास है मान लीजिए एक्स ऑफ एस, ठीक है, तो अगर हम कभी क्या कर दें, एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट कर दें, एक्स टी माइनस टी नोट कर दें, तो उसका लाप्लास कितना हो जाएगा, ई की पावर -st नोट, ई की पावर -st नोट और एक्स ऑफ एस, एक ये भी आपका लाप्लास हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इसको भी आपको याद रखना है, दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको। एक प्रॉपर्टी और जो कि बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर हम कभी यहाँ पे बात करें उसको मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी का मान लीजिए लाप्लास है एक्स ऑफ एस, तो अगर आप यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी करते हैं तो उसका लाप्लास कितना हो जाएगा, एस के मल्टीपल एक्स एक्स ऑफ एस, ये हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर आपका एक्स ऑफ टी का लाप्लास है यहाँ पे एक्स ऑफ एस, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दिया है तो उसका लाप्लास हो जाएगा कितना, एक्स ऑफ एस डिवाइड बाय एस।
इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई एस, अगर हम इनिशियल कंडीशन को इग्नोर करें तो। अभी हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन की बात नहीं करें क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में आपका इनिशियल कंडीशन जीरो होती है, ठीक है। हाँ, जबकि सिग्नल में कभी आएंगे तो इनिशियल कंडीशन जरूर काउंट करेंगे, बट यहाँ पर मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, अगर हम देखें हमारे पास जितने भी सिस्टम है ना, जनरली फैन को देखें तो फैन एक मैकेनिकल सिस्टम है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, है ना। तो जैसे अगर बात करूँ इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज के हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि वोल्टेज इज अ फोर्स। तो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, फोर्स आपकी एक मैकेनिकल क्वांटिटी। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज और फोर्स ऑलमोस्ट तीनों टाइप के दिख रहे हैं अपन को, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक एनालॉजी होती है ना। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। हम उस एनालॉजी के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनालॉजी, ठीक है। जैसे मैं कैसे बताता हूँ, देखना मैं इसको तो चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूं मैकेनिकल टर्म्स, जैसे कि फोर्स हो गया, है ना, टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया मैकेनिकल टर्म्स। और इधर मैं लिखूंगा इनका इलेक्ट्रिकल टर्म। अब इलेक्ट्रिकल में भी हम दो टाइप बोलते हैं, जैसे फोर्स है ना, तो फोर्स को हम वोल्टेज भी मान सकते हैं, फोर्स को हम करंट भी मान सकते हैं, है ना। तो दो एनालॉजी होती है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, एक होती है फोर्स करंट एनालॉजी। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, देखना। तो इलेक्ट्रिकल में दो एनालॉजी होती है, एक होती है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, की बहुत फेमस एनालॉजी है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बहुत ही ज्यादा फेमस है, FV। एक होता है आपका फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। मैकेनिकल में भी दो चीजें होती है, एक होता है आपका रोटेशनल, एक होता है आपका ट्रांसलेशनल। मतलब ऐसे मान लो आपका मैं एक पत्थर जमीन में फेंक दूं, है ना, या फिर मैं चल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर एक बॉल घूमती हुई जाए तो बोलते हैं रोटेशनल, है ना। अगर आपको पता होगा ना, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। जो ट्रांसलेशनल है उसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर मोशन, और जो सर्कुलर मोशन होता है हम बोलते हैं रोटेशनल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपका सामने, यहाँ पे मैकेनिकल में दो चीज होती है, एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है आपका रोटेशनल। जैसे मेरे पास पानी की बॉटल है, तो अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं तो क्या कहलाएगा मेरे पास, ये फोर्स कहलाएगा। लेकिन कोई रोटेटिंग बॉडी है तो उसे हम फोर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वहां पे, टॉर्क बोलते हैं, है ना, समझ में आई बात। तो जैसे मान लो यहाँ पे होता है फोर्स, सबको प्रॉपरली समझना, यहाँ पे एक चीज होती है फोर्स जिसको रोटेशन बोलते हैं टॉर्क। और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में फोर्स को हम मानते हैं वोल्टेज, है ना, और फोर्स करंट एनालॉजी में फोर्स को हम क्या मानते हैं, करंट, ठीक है। रही बात सही यहां तक, चलो फिर बात करते हैं किसके बारे में, मास के बारे में। मास देखो ट्रांसलेशन में होता है मास, रोटेशनल में होता है उसका इनर्सिया, है ना, क्या बोलते हैं उसको, इनर्सिया बोलते हैं, है ना, रोटेशनल में होते हैं इनर्सिया। और याद रखना, है ना, जैसे फोर्स है ना, तो आप इसका अगर फोर्स वोल्टेज में, मास का होता है आपका क्या, इंडक्टर, ML, याद रखना M, तो यहां पे हो जाएगा L, इंडक्टर,
मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट लेता हूँ, एल लेता हूँ। एल मतलब समझा ना, इंडक्टर। अभी इसमें क्या होगा, इसको मैं बाद होता हूँ, वो शॉर्टकट थ्रू बताऊँ, पहले एक चीज याद कर लेता ना, फोर्थ वोल्टेज में मास क्या होता है, एल में कन्वर्ट होता है। मैंने इसको कैसे याद किया था, मोल, एम वी एल, एम एल, जैसे भी आपको याद करना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर होता है आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग, सॉरी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, एक होता है आपके पास यहाँ पे क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को यहां पे हम बोलते हैं क्या, टोर्जनल फ्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं टोर्जनल फ्रिक्शन। मैकेनिकल टर्म है, मतलब रोटेशनल टर्म है यहाँ पर, टोर्जनल फ्रिक्शन, ठीक है। और ये आपका बन जाता है आपका क्या, आर, ठीक है, ओके। या फिर हम चाहे इसको डैम्पिंग भी बोल सकते हैं अगर चाहे तो। मैं एक काम करता हूँ ना, ये आपके लिए नया वर्ड लिख रहा है, इसको आप डैम्पिंग लिख लो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा इसमें आर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास यहां पे किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में, किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या कहलाएगा, आपका टोर्जनल कहलाएगा, टोर्जनल स्प्रिंग, स्प्रिंग की समझो, इस पे भी स्प्रिंग की बोलेंगे, कुछ खास नहीं होता, मतलब यहाँ पे स्फेरिकल स्प्रिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे स्प्रिंग हेलिकल है, इसमें आपको हो जाएगा स्फेरिकल, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी स्प्रिंग है, इसमें भी स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में बन जाता है आपका क्या, 1/कैपेसिटेंस, लेट मी चेक, ये बनता है आपका 1/कैपेसिटेंस। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि फोर्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज में, मास को इंडक्टर में, फ्रिक्शन को रेजिस्टेंस में, स्प्रिंग को 1/कैपेसिटेंस में, डिस्प्लेसमेंट को चार्ज में, डिस्प्लेसमेंट को किस में करते हैं, चार्ज में, मतलब डिस्टेंस को यहां पे, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये किस में होता है आपका, किस में कन्वर्ट होता है आपका, ये चार्ज क्यू में, ठीक है। और रही बात किसकी, आपका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी होता है किस में आपका, करंट, वेलोसिटी किस में होता है आपका, वेलोसिटी आपका क्या ला जाएगा यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी। किसम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका एक करेंट में, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो फोर्स है वो वोल्टेज में होता है, एम होता है एल में, फ्रिक्शन होता है आपका, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं डैम्पिंग, तो याद रखना डी आर मतलब डॉक्टर, ठीक है ना, फ्रिक्शन मतलब डैम्पिंग मतलब डी आर, ठीक है। डैम्पिंग किस में होती है, आपके रजिस्टर में कन्वर्ट होती है। स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, के, अगर कभी आपने पता होगा ना, आपने मेजरमेंट भी पढ़ा ना, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के सी पढ़ते थे, तो याद रखना स्प्रिंग होता है के, तो इसको आपको के वाई सी, जैसे आप बैंक में जाते हो आपको ना के वाई सी कराना पड़ता है, तो याद रखना स्प्रिंग किस होता है, के वाई सी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देंगे चार्ज, वेलोसिटी करंट, वेलोसिटी मतलब बहना, करंट का बहना, तो करंट बह रही है यहाँ पे, वेलोसिटी याद कर लो इसको, वेलोसिटी हो जाएगा करंट में, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चार्ज में, स्प्रिंग मतलब के, तो के बाय का 1/c, फ्रिक्शन होता है डी मतलब डैम्पिंग, तो डी आर हो जाएगा डॉक्टर, एम से याद करना है एम एल, मोल, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, देखो फोर्स करंट एनालॉजी में क्या होगा ये समझना, ठीक है, फोर्स करंट एनालॉजी में क्या होगा समझना, जैसे इसमें हो जाएगा आपके पास करंट, जैसे यहां पे वोल्टेज तो यहां पे करंट हो जाएगा, जैसे यहां पे इंडक्टर था तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, यहां पे रेजिस्टेंस था तो यहां पे हो जाएगा कंडक्टेंस, यहां पे 1/c है तो यहां पे हो जाएगा 1/L, ठीक है। जैसे यहां पे था आपके पास क्या, चार्ज,
तो यहां पे हो जाएगा आपके पास फ्लक्स, और जैसे यहां पे करंट था तो यहां पे हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और यहां पे समझना, एक चीज और समझना, एक चीज वो ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, डी एलेम्बर्ट्स। क्या बोला मैंने, डी एलेम्बर्ट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था अभी तुम्हें, डी एलेम्बर्ट्स ना, उन्होंने एक क्या दिया था, रूल दिया था। डी एलेम्बर्ट्स साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था, उन्होंने बोला था कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है वो बराबर होता है किसके, फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ क्या बोलेंगे हम यहां पे, इनर्सिया फोर्स एफ आई प्लस डैम्पिंग फोर्स एफ डी प्लस आपका स्प्रिंग फोर्स एफ के। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दीज फोर्स, मतलब अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को रजिस्ट करने वाले तीन फोर्स होते हैं, एक तो उसका इनर्सिया फोर्स, एक होगा उसका स्प्रिंग का फोर्स, एक होता है उसका, मतलब एक तो फ्रिक्शन वाला हो गया, एक हो गया आपके पास कौन सा, स्प्रिंग का फोर्स। तो तीन फोर्स आपका उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे अप्लाइड टॉर्क को रजिस्ट करने वाले तीन टॉर्क होते हैं, इनर्सिया टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क। ठीक है ना, आपके मेजरमेंट में भी जो पॉइंटर रुका हुआ था है ना, उस पर जो अप्लाइड फोर्स हुआ, जो उस पर फोर्स लगा, उसको तीन फोर्स रजिस्ट कर रहे थे, पहला उसका जो पॉइंटर का फ्रिक्शन है वो, डैम्पिंग वाला टॉर्क वो अलग अपोज कर रहा था, और जो फ्रिक्शन वाला है तो जो आपका स्प्रिंग वाला वो अलग था, तो तीन चीजें थी जिसको अपोज कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, या फिर आप इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ क्या, ये हो जाएगा एम, जो एफ आई की वैसे बता रहा हूँ, एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये होता है एनर्जी फोर्स की वैल्यू, प्लस डैम्पिंग फोर्स की जाएगी कितनी आपके पास यहाँ पे, डी मतलब डैम्पिंग डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस एफ के, एफ के मतलब आपके पास यहाँ पे क्या, स्प्रिंग, इसको बोलेंगे आपका क्या, के इंटू एक्स। आप याद रखो ना, आपने मेजर में पढ़ा जो के सी इंटू थीटा है ना, यहाँ पे के इंटू एक्स हो गया, ये होता है आपका डी एलेम्बर्ट्स रूल है ना, क्या कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड टॉर्क है, वो इन तीनों के बराबर होगा। अगर यहाँ पे टॉर्क बोलता हूं तो यहाँ पे जहां जहां पे एक्स लिखा वहां पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात सभी को यहां तक, कंफर्म करिए फटाक से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोग लेते हैं ब्रेक है ना, और मिलते हैं हम लोग कितने बजे, 12 बजे, 12 बजे मिलेंगे, और ऑलमोस्ट एक और क्लास लगाएंगे, तो मतलब हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा 30% सिलेबस कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, 30% एक क्लास और लगा, हमारा 30% कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपका लगाएंगे एक और क्लास, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, 50% तक कंप्लीट करके, आज हम 50% कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल 50% कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मान के चलिए कंट्रोल सिस्टम आपका 2 दिन में शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।